तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि ये होलसेलिंग का चैनल है, फ्रेमिंग किया हुआ है, जिसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं कैसे इसका चैनल लगाया जाता है। उसके बाद वायरिंग का भी वीडियो बना चुके हैं कैसे इसमें वायरिंग किया जाता है होलसेलिंग में। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में देखने को मिलेगा कि जिप्सम कैसे लगाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है जिप्सम, 6x4 का जिप्सम है जिसका मोटापा 12.5 mm का है। और उसके बाद फिर देखिए कोना में जो रखा हुआ है, ये है POP पेरिस, इसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें फ्रेंड्स, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। तो देखिए पहले बताएं 12.5 mm का इसका मोटापा है। तो चलिए इसको अब फिटिंग करते हैं। इस जिप्सम में ऊपर के परत में पेपर लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स, और इसके अंदर में POP लगा हुआ रहता है। तो पूरा अक्खा ले लिए हैं, पूरा सेट ले लिए हैं, इसको कोई कटिंग वटिंग नहीं करेंगे, इसको पूरा ऊपर में फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए क्या करना होगा, इसको चैनल के पास चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद ब्लैक स्क्रू आता है 1 इंची का, उसको ड्रिल से फिट कर देंगे। उसके पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें वायरिंग का जो वायर नीचे नीचे जहाँ जहाँ ड्रॉप हुआ है, उस जगह पे क्या करेंगे, जिप्सम को छेदा कर लेंगे, होल कर लेंगे, और होल करने के बाद उस होल से वायर को निकाल देंगे, ताकि फिर हम बाद में उसमें जो लाइट लगेगा वो लाइट को हम उसी साइज में कटिंग करके जिप्सम को उसमें लाइट को फिट कर सके। तो उस तरह से जिप्सम लगाया जाता है। देखिए ये हमारा साथी लोग लगा रहे हैं, इस तरह से सीधा से रख लेना है। देखिए राइट साइड आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा गैप छूट रहा है, क्योंकि हमारा जो ये जगह है, जो रूम है, रूम नहीं बरंडा टाइप का है, तो ये हमारा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, मतलब तिरछा है, तिरपट है। देखिए थोड़ा सा गैप छूट रहा है। तो इसको क्या करेंगे, जिप्सम इसमें भी फिट होगा, इसमें क्या करें, जितना ही मांग रहा है उतना ही जिप्सम को कटिंग कर लेंगे और उसको यहाँ लगा लेंगे। तो उसके पहले क्या करेंगे, ये बड़ा वाला जो जिप्सम है उसको पहले लगा लेते हैं। तो छोटा छोटा ड्रिल बिट से लगाना पड़ता है, क्योंकि पेचकस से कितना घुमा घुमा रहिएगा उससे लगेगा नहीं। ड्रिल से बस ब्लैक स्क्रू को उसमें रख लीजिए बस, और इसको आप फिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा तरफ जो है उसको लिए हैं, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा जिप्सम बड़ा हो जा रहा था, तो क्या किए हैं कि उसको जो चैनल पट्टी का जो फ्रेम रहता है उसी का पट्टी को टुकड़ा लेके, और इसमें क्या है, घिस दे रहे हैं उसी से। POP है, घिसा जाता है, तो जहाँ भी बड़ा रहता है तो घिस के आप उसको मेकअप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब चलिए ये घिसना कंप्लीट हो गया है, अब इसमें फिटिंग करेंगे। सेम उसी तरह से ऊपर रख लेंगे, और रखने के बाद फिर इसको सेट कर लेंगे। तो हमारा जिप्सम लगने के बाद इस तरह से लुक है, इस तरह से नज़ारा है फ्रेंड्स। अब चलिए इसमें जो थोड़ा सा गैप बचा हुआ है तो उसको मापी ले लिए हैं। मापी ले के जो चैनल का पट्टा रहता है उसी से रख के, और जो जिससे पुट्टी लगाते हैं, जिस ब्लेड से, उसी ब्लेड से इसको कटिंग किया जाता है, जो पत्ती रहता है। देखिए ये हमारा कटिंग हो गया इस तरह से। ऊपर का तो पेपर रहता है दोस्तों, वो पहले ही बता दिए थे, और बीच इसके अंदर में POP, ये हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा इस तरह से। और बाकी जो जहाँ जहाँ जो जेम देख रहा है, जिसका जो जॉइंटर जहाँ जहाँ हुआ है जिप्सम का, एक दूसरे से कनेक्ट जहाँ हुआ है, तो उसमें जो लगेगा, चलिए आगे बताएंगे क्या उसमें लगेगा, कैसे उसको छिपाएंगे। तो हमारा पूरा एक हॉल है, दो रूम है और एक बरंडा है, तो इसमें जहाँ जहाँ पूरा बड़ा बड़ा जो बीच में जिप्सम लगना था वो पूरा लगा लिए। अब देखिए इसमें 2-2 फीट का लगभग पट्टा टाइप का कटिंग कर रहे हैं,
देखिए हमारा ये बीच में जहाँ जहाँ लगना था हॉल में लग गया है। अब दिख रहा होगा आपको फ्रेंड्स साइड साइड का जो बीट बना हुआ है, जो डिज़ाइन बना हुआ है उसमें पट्टी करना है, उसमें जिप्सम लगाना है। देखिए साइड साइड का जो छूटा हुआ है छज्जा टाइप का उसमें लगाएंगे। तो इस तरह से एक हॉल, दो रूम और एक बरंडा में पूरा लगा लिए हैं जिप्सम सीलिंग में बीच बीच में। अब फिर उस चारों तरफ जो बचा हुआ है कॉर्नर में उस समय लगाएंगे। इसी तरह से हर जगह ड्रिलिंग करके स्क्रू को कसते जाएंगे दोस्तों। देखिए चारों तरफ से इस तरह से हमारा ये बीट लगने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए चैनल का जो फ्रेमिंग है उससे करीब 5 इंची बड़ा है ताकि हमारा चैनल दिखे नहीं, अच्छा लगे, डिजाइन बढ़िया बने। इसके अंदर क्या होगा कि स्ट्रिप लाइट को लगा सकते हैं जिसके चलते ये बड़ा छोड़ा जाता है। तो देखिए इस तरह से इसका लुक है, इस तरह से पूरा फिटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो जिप्सम लगाने के बाद इस तरह से लुक है दोस्तों। देखिए अब क्या करेंगे, एक 3 इंची का पट्टा लेंगे और एक 4 इंची का पट्टा लेंगे कटिंग करके, और इसमें जो गैप जो दिख रहा है अंधेरा जहाँ दिख रहा है उसके अंदर लगेगा। 4 इंची का जो पट्टा रहेगा इसके अंदर लगेगा और 3 इंची का जो पट्टा रहेगा इसके जस्ट बाहर के बॉर्डर में खड़ा होगा। तो चलिए पहले पट्टा को काट लेते हैं। उसके पहले चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए ये हॉल का डिज़ाइन है, हॉल में इस तरह से इसका लुक है। इसका बीच में भी डिज़ाइन बनेगा दोस्तों। ये अभी साइड साइड से इसका डिज़ाइन बना हुआ है, रूम का भी बीच में डिज़ाइन बनेगा। कौन सा डिज़ाइन बनेगा वीडियो में बने रहें, बताते हैं आगे। उसके बाद देखिए चलिए फ्रेंड्स एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए ये एक ड्राई वॉल टेप है जिसको आप जाली टेप भी बोल सकते हैं, जाली पट्टी भी बोल सकते हैं इसको आप। कहाँ लगेगा इसको चलिए बताएंगे। इसको चलिए पहले खोल के दिखाते हैं इसके अंदर कैसा टेप रहता है। तो इसको खोलने के बाद देखिए इस तरह से इसका दिखाई देता है, बीच में जाली जाली रहता है ताकि इसमें हमारा पीओपी चिपक जाए। तो देखिए जो पट्टा हम बोले थे इसको मेरा साथी कटिंग कर रहा है, 3 इंची का, 4 इंची का। उसके बाद देखिए इसको घिसाई कर दे रहे हैं ताकि हमारा अच्छी तरह से वहाँ फिटिंग हो जाए।
एक चीज हमसे गलती हो गया फ्रेंड्स कि हमारा देखिए जो पट्टा बना हुआ है एक 4 इंची का बना हुआ है और एक 2 इंची का बना हुआ है। तो इस तरह से पूरा घिस लेंगे सभी को साथ में रख के ताकि हमारा अच्छी तरह से फिटिंग हो। अब घिसने के बाद फिर उसमें क्या करेंगे, पीओपी से इसको फिटिंग करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, पहले ही बताएं कि देखिए जो उसके अंदर का जो चैनल दिख रहा है उसको ढकने के लिए इस पट्टी को लगाएंगे। उसके बाद फिर आगे सामने का जो फिर छज्जा टाइप का दिख रहा है उसमें बॉर्डर टाइप का खड़ा होगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें पीओपी लगा देंगे। तो चलिए इसको वहाँ पर लगा लेते हैं। तो देखिए मेरा साथी क्या कर रहा है कि वहाँ पर एक पॉइंट छूटा हुआ है जो स्ट्रिप लाइट का पॉइंट है, तो उसको छेदक करके उसमें निकाल दिया। उसके बाद लगा लेंगे, फिर उसमें पीओपी लगा के टाइट कर देंगे, वो हमारा सूख के पत्थर बन जाएगा, फिट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर ड्रिल लगाने का जगह नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे कि जाली टेप जो दिखाए थे, तो हमारा देखिए जहाँ जहाँ जिप्सम का जॉइंट हुआ है एक दूसरे से, वहाँ पर क्या करेंगे जाली को लगा के चिपका लेंगे वहाँ पर। उसके बाद जगह जगह जहाँ पर जितना भी जॉइंटर है हर जगह में इसको चिपकाना पड़ेगा। चिपकाने के बाद क्या होगा, इसमें जो हमारा पीओपी लगेगा फिर अच्छी तरह से पकड़ लेगा। तो देखिए यहाँ भी लगाना है, हर जगह मेरा साथी लगा दे रहा है, पट्टी के साथ साथ इसमें भी पीओपी लगा देगा साथ साथ, इसलिए पट्टी लगा के उसके बाद जाली भी लगा दे रहा है ताकि हमारा टाइम बचे। ये है हमारा पीओपी, पीओपी को भी उतना ही उसको गूंथेंगे, मतलब मिलाएंगे सानेंगे जितना हमारा एक बार में खत्म हो जाए, ताकि तुरंत क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है तो उसको बस थोड़ा थोड़ा करके ही सानना है इसको। उस डब्बा में मेरा साथी सानेगा, उसके बाद पीओपी को लगाएगा। तो जहां जहां हमारा जॉइंटर था वहाँ पर हर जगह पीओपी लग चुका है। देखिए हर जगह लगा दिए हैं मिस्त्री जी। अब चलिए अब इसमें डिज़ाइन बनाना है बीच में जहाँ पंखा लगेगी, तो उसमें पार्टी को भी दिखा दिखा के डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि कैसा डिज़ाइन आपको चाहिए, उस हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने से पहले वहाँ पर जहाँ बनेगा तो उसमें छाप लेते हैं, मानचित्र बना लेते हैं कैसे हमारा डिज़ाइन बनेगा, ड्राइंग कर लेते हैं। तो देखिए डिज़ाइन बनाने के लिए ये पट्टा रेडी हो रहा है, इस पट्टा को डबल करके वहाँ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डबल करने के लिए इसके बीच में पीओपी डाल दे रहे हैं मेरे साथी जी। तो जैसा कि बताए थे पीओपी के बीच बाहरी परत में पेपर रहता है, तो पेपर को ना कटिंग करके सिर्फ एक तरफ से पीओपी को कटिंग किया है ताकि हमारा ये पट्टा दोनों तरफ से चिपक जाए। जैसा चाहे वैसा ड्राइंग करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको पसंद है। आप चाहे तो गूगल से भी देख सकते हैं सर्च करके कैसा डिज़ाइन आपको चाहिए, फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमारा जिप्सम लगाना पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से डिज़ाइन इसमें निकला हुआ है, एक रूम में मतलब पूरा सिंपल सा डिज़ाइन निकला हुआ है। और ये रहा देखिए हॉल का डिज़ाइन है जिसका लुक इस तरह से है। तो इस तरह से फॉर्सलिंग मिस्त्री लोग इस तरह से करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं।
जिप्सम में बहुत एक से एक आप डिज़ाइन का निकाल सकते हैं, और इस अगर आप प्लाई का अगर फॉल सीलिंग बनाएंगे तो उसमें डिज़ाइन निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो देखिए ये दूसरा रूम का डिज़ाइन है जो इस तरह से है। देखिए पंखा के पास एक गोलाकार है और चार डब्बर लगाया गया है चारों तरफ, उसमें लाइट लगेगा। और एक चलिए दिखाते हैं बरंडा में। बरंडा में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं, बस सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर भी इस तरह से इसका डिज़ाइन बना हुआ है। तो आई होप कि फ्रेंड्स मेरा ये जिप्सम लगाना आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे लगाया जाता है।